हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमन पांडे। आज हम करेंगे मोशन का पार्ट 13, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चरों में हमने बहुत से न्यूमेरिकल्स किए, जिसमें हम आज फिर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा पहला क्वेश्चन कुछ कहता है, ये हमारा चैनल का नाम है एडुकेशन अकेडमी। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ ये है, देखो क्या बोल रहा है इसमें। ए मैन क्रॉसिस स्ट्रीट, एक आदमी है, ये रहा एक आदमी। स्ट्रीट क्या होता है? गली, गली रोड मान लेते हम इसको। तो एक आदमी ने इतनी लंबी गली, 600 मीटर लंबी रोड तय करी 5 मिनट में। तो इसको करो तो इसकी जो स्पीड है, जिसकी जो स्पीड आएगी उसको आप किलोमीटर पर आवर में निकालो, किलोमीटर पर आवर में निकालो, ठीक है। देखो अब मैं अच्छे से बता देता हूँ, ये कलर सब दूसरे कलर से बता रहा मैं, सब समझ में आएगा। देखो देखो ये हमारी स्ट्रीट है, ठीक है, ये हमारी स्ट्रीट है, ठीक है। तो इसमें एक बोल क्या रहा है, देखो देखो बोल रहा है, ये एक आदमी है, ठीक है, ये आदमी जा रहा है कितने, 600 मीटर तय कर रहा है। स्ट्रीट की ये जो लंबाई है ये है 600 मीटर, 600 मीटर कर रहा है 5 मिनट में, ठीक है। तो बताओ इसमें इसका जो है क्या स्पीड है उसको बताओ आप किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में बताओ आप, ठीक है। पहले बोले 7.2, अभी 5 सेकंड है। दूसरे बोले 3.6, चौथा दूसरे बोले 3.6, तीसरे बोले 10 और चौथा बोले 8.4। तो चलते अपने आंसर की तरफ, इसका आंसर ये है, देखो कैसे। देखो डिस्टेंस हमें डिस्टेंस दिया था इतना, बी टाइम हमें इतना देता है, तो हम इसको सेकंड में निकालेंगे तो 5 × 60, तो इसको काटते ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्पीड देखो इतना बहुत ज़्यादा कर दिया, तो क्या बोला इसमें, जो स्पीड है, स्पीड हमारे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो हमारा डिस्टेंस कितना है 600 और हमारा टाइम कितना है 300। 2 0 0 काटा गया, 2 आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने इसको टाइम में सेकेंड में निकाल लिया था। तो इन किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 18/5 हम, और उसमें क्या कर देते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, ओ किलोमीटर पर आवर से इसका रिवर्स कर देते हैं हम 5/18 से। तो 18 × 2, देखो ये होगा क्या, ये 2 by 18 × 5। तो पहले हम इसको इंटू कर लेंगे जो 36 है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो हम चलते हैं हमारे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो देखो ये अपने आप हो रहा है, तो अभी इसको मिटा देता पहले। रीजन नहीं आ रहा, रुको ऐसे ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, थेफ्ट रिपोर्टेड है पुलिसमैन, थेफ्ट एक चोर ने देखा पुलिसमैन को, ये पुलिस है और ये चोर है, ये चोर है, पुलिस ने चोर को, चोर ने पुलिस को देखा तो ये भागने लग गया। कितने की स्पीड से भागने लग गया, 8 किलोमीटर, पुलिस भी इसके पीछे भागने लग गया 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 250 है इनकी डिस्टेंस। तो बताओ कितना टाइम लगेगा पुलिस को चोर को पकड़ने में, फिर से बोल बताता हूँ। देखो ये है हमारा पुलिस और ये हमारा चोर, इसने इसको देखा और ये भाग गया 8 किलोमीटर, और ये 9 किलोमीटर पर आवर दोनों, और इनके बीच की डिस्टेंस है 250। तो बताओ पुलिस कब पकड़ेगी चोर गई भी और ये टी, तो 10 मिनट में पकड़ेगी, 15 घंटे में पकड़ेगी, 15 सेकंड या 15 मिनट।
तो चलते हैं सांस की तरफ, 15 मिनट में पकड़ेगी, देखो कैसे वो ही पता है। देखो पुलिस गेन स्पीड, मतलब पुलिस के पास कितनी ज़्यादा स्पीड है, 1 किलोमीटर की ज़्यादा स्पीड है। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो सो डिस्टेंस, तो हम टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तुम्हारा स्पीड की इतना स्पीड इतनी आई थी क्योंकि मन था इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ पॉइंट पर आ जाएगा, तो हम वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाएगा। तो हम इसको 18 ऊपर चल जाएगा और ये आ जाएगा ना, तो हम इससे मल्टीप्लाई इसको काट पीट के ये आ जाएगा 50 × 18। अभी हम इसको करेंगे नहीं क्योंकि फिर से बड़ा आंसर आ जाएगा। तो अगर हमें इन मिनट, ये मिनट में, ठीक है, इन मिनट, अगर हमें देखो मिनट में निकालना है, ये भी सेकंड में, ठीक है, ये भी सेकंड में, अगर हमें मिनट में निकालना है तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम काट देंगे इसको, काट देंगे इसको, काट देंगे, ये आ जाएगा, ये 20 आएगा, ये 6 आएगा, 6 से इसको काटा, 10 आएगा, 0 से 0 काटा, 5 × 3 15 मिनट। तो ठीक है, तो हमारे वाला कुछ कहता है, बोलता है डिस्टेंस ऑफ टू स्टेशन ए एंड बी, ये हमारा एक स्टेशन है ए, ए से बी एक स्टेशन है, ये रहा बी, ये हमारे दो स्टेशन है और इनका वो है, इनका डिस्टेंस है 220 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, ठीक है। ए ट्रेन लीव, एक अगर एक ट्रेन यहाँ से ए से गई बी तक एवरेज स्पीड 80 तो बताओ, और दूसरी ट्रेन एंड अनदर ट्रेन लीव बी, और एक और ट्रेन है वो बी से गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, बी टूवर्ड ए, हाँ बी से ए गई और उसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द टू, तो बताओ दोनों कब मिलेगी, तो बताओ दोनों कब मिलेगी, 120 में, 130 में, 140 में या 150 में। चलते से आंसर की तरफ, इसका सही आंसर 120। तो कैसे हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो ट्रेन टेक बनाकर, देखो बोल क्या रही थी, फिर से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है एक ट्रेन लीव एवर टूवर ये आफ्टर हाफ एन आवर, आधे आफ्टर हाफ मतलब आधे घंटे में, तो हाफ कितना होता है 1/2, 1/2 को हम घंटे में निकालेंगे 0.5 आ गया, काट के आ जाएगा 0.5। तो हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि फिर हमारी डिस्टेंस आ जाएगी ना 80 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमारी डिस्टेंस कितनी बची पूरे में से 40 माइनस कर दो तो कितना हो जाए 180। लेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई टू मीटिंग पॉइंट जेड, तो हमने माना जो वाई है, वाई हमने माना, वाई ट्रेन का नाम है, पहली ट्रेन का नाम है वाई, ठीक है, वो मिली, वो जा रही है जेड तक, पॉइंट जेड तक, अगर जहाँ पे वो मिलेगी उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया जेड। देखो हमने पहली ट्रेन का नाम रख दिया वाई, वाई मतलब इसका नाम रखते हैं और वाई रख देते हैं, लेट इट बी वाई। तो ये जो वाई और जो दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन को हम टू मान लेते हैं, ये दोनों मिल रही है, ये जेड पॉइंट पे मिल रही है, हमने माना है। तो डिस्टेंस टू बी कवर, तो एक्स से वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, एक्स हमने पूरी डिस्टेंस मानी है, एक्स से वो कवर करेगी 180 माइनस जेड, है ना, 180 माइनस जेड 180, 180 यहाँ से आया था, 40 उन्हें पहले कवर कर चुका था, तो 180 बचा माइनस जेड, जेड क्या है, जेड हमारी दूसरी ट्रेन, दूसरी और पहली और दूसरी ट्रेन के मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो टाइम टू बी मीटिंग इज द सेम, तो दोनों का मीटिंग पॉइंट सेम है, 180 माइनस जेड डिवाइड बाय 80 बाय इज इक्वल टू जेड बाय 100, ये क्या है, देखो ये टाइम है हमारा, ये टाइम है और ये जो है ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारी स्पीड है, 80 हमारी स्पीड है ना, 80 देखो ये रहे 80 स्पीड हमारी, और 180 माइनस जेड हमारा वो है डिस्टेंस। तो देखो 80 गया वहाँ पे मल्टीप्लाई में और 100 आया यहाँ पर, देखो क्या हुआ, 180 ऐसा था ना, 180 माइनस जेड इज जेड, ठीक है जेड है, ये था एस एस यहाँ पे नीचे था और ये यहाँ पे था जेड बाय 100, 80 यहाँ पे गया 100 यहाँ पर आया, तो क्या हुआ 180 माइनस जेड होल में 100 और इजिकल टू में क्या आया, होल में 100 इजिकल टू में आया 80 जेड, ऊपर जेड था ना यहाँ पर, तो 100 को पहले 180 से माइनस करो 100 को फिर जेड से, तो आएगा 18,000 और 100 जेड
और यहाँ पे कुछ आया 80Z, तो जेड जेड यहाँ पे दोनों में है, तो ये जो आया ना, तो हम ये 100Z को यहाँ पे भेज देंगे, तो आया 180 प्लस हो जाएगा, तो 180, तो जेड हमारे आगे, क्योंकि 180 इसमें डिवाइड में जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा, तो हम इससे माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। फिर से बता देता हूँ मैं, इसमें इतना टाइम लगता है 0/5, इससे हम मल्टीप्लाई कर तो हमारी डिस्टेंस आ गई, तो हमें रिमेनिंग डिस्टेंस निकालनी, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस ये आ गई, डिस्टेंस ये आ गई, इसमें से इसको माइनस करके जहाँ पे वो मीटिंग कर रहे हैं उसका नाम हमने जेड रखा, तो उनका दो उसका डिस्टेंस आ गया, दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस आ गया ये, तो हम वहाँ पे उसका वो डालेंगे, तो हम यहाँ पे इसमें टाइम निकाल लेते, तो हम टाइम को एक जगह रख देंगे और सबको वहाँ पे पुट कर देंगे, डिवाइड में हम स्पीड रख लेंगे, ऊपर डिस्टेंस रख लेंगे, और ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। अभी यहाँ पे बताया आप थोड़ा सा पीछे जाके कर सकते हैं, तो ये आंसर आ गया। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ए मैन कवर, एक आदमी है वो क्या कितना कवर करता है, 10.2 किलोमीटर कवर करता है वो 3 घंटे में, 3 घंटे में करता है, तो वो पूछ रहा है 5 घंटे में वो कितना कवर करेगा। आपके पास 5 सेकंड अगर आपको टाइम लग रहा है तो जल्दी से 18 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 16 किलोमीटर या 17 किलोमीटर, तो अपना आंसर जल्दी से बताओ इसमें से कितने करेंगे। तो चलते हैं इसका आंसर की तरफ, तो इसका सही आंसर है हाँ ये रहा। S=DYT, ये क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है ना, तो हम पहले स्पीड निकाल लेते हैं, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, शुरू की वैल्यू पुट करेंगे, पहले 3 घंटे थे और इतना किलोमीटर था, तो ये आ जाएगा कुछ, तो डिस्टेंस इन 5 आवर, तो डिस्टेंस हमारा 5 घंटे में आएगा। डिस्टेंस =T/S, एस अभी हमने यहाँ पे निकाला, टी हमें गिवन है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यस ये टी, ठीक है, तो 17 आ गया ना, 17 आया ना, पीछे देखो 17 है। और इसमें क्या बोल रहा है, देखो 2 साइकिलिस्ट, ये साइकिल है, एक साइकिल, ये 2 साइकिल, नहीं साइकिल के पहिए हैं, ये 2 साइकिल के पहिए, एक साइकिल, ये 2 साइकिल के पहिए हैं, ये आदमी बैठा है, ठीक है, सेम डिस्टेंस, दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, एक यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं, दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, एक कर रही है 15 किलोमीटर, दूसरा कर रही है 16 किलोमीटर/आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल, तो बताओ उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इफ वन टेक 16 लॉन्गर देन अदर, अगर 15 इन दोनों में से कोई एक, अगर ये ले रहा है एक्स, ये ले रहा है एक्स, तो ये है एक्स प्लस 15 इसका टाइम है, ठीक है, एक्स प्लस 15, ठीक है, तो अपना आंसर जल्दी से करें, पहले बोलो 24, दूसरे में बोलो 64 मीटर, इसमें बोला 64 किलोमीटर, इसमें बोला 24 किलोमीटर, दोनों सेम है, यहाँ पे 24 यहाँ पे 23 था, तो चलते हैं इसका सही आंसर है 64, देखो कैसे, देखो ऐसे, लेट द डिस्टेंस बी एक्स, पूरे डिस्टेंस को हमने माना एक्स, ठीक है, तो एक्स बाय 15 ये हमारा टाइम आ गया, तो हमें टाइम में से इस टाइम को एक्स बाय 15 में से हम माइनस कर देंगे, एक्स बाय 16 को माइनस कर देंगे, तो कुछ आएगा ये आएगा, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसमें एक्स की, तो ये हमने बोला था ना एक्स हमारा वो है, अगर एक उससे ज़्यादा है तो 16 × ये × में है ना, तो ये हमारा क्या होता है, 16 हमारा कितना था, ये हमारा था टाइम, तो ये डिस्टेंस आ रहा ना, ये डिस्टेंस नहीं, ये स्पीड था और ये टाइम था, तो यहाँ पर छोड़ हो गया, मिटा देता हूँ, ये देखो ये समझ में आ गया ना क्या हुआ था, पहले इसका एलसीएम निकाला, टाइम हमें ये गिवन था सब कुछ, तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो ये जो 16x है और ये 15x है, इनमें से x क्या है, x हमने टाइम बताया है, ये टाइम है हमारा टाइम, और ये 15 और ये 16 क्या है हमारी, ये हमारी स्पीड है, तो आ गया, तो हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे x की, x हमारा ये था, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू 64 आ गया और x हमारा था क्या, x हमारा डिस्टेंस का टाइम नहीं था, ठीक है, हम यहाँ पे डिस्टेंस मान कर एक्स डिस्टेंस आ गया हमारा, हैंड द डिस्टेंस रिक्वायर्ड इतना टाइम, अच्छा हाँ ये हमारा टाइम आया है 16/16 ना, ये हमारा टाइम आया है, और जो एक्स है ना ये हमारा डिस्टेंस है डिस्टेंस, तो हमारा ये 64 आ गया, तो हमारा 64 ही डिस्टेंस है डिस्टेंस, डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, देखो हमारे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू मैन ए एंड बी वॉक पी एंड क्यू, दो मैन है, एक ये रहा ए मैन और ये रहा बी मैन, इसका नाम हम रख देते हैं, वरना आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसका नाम हम इससे ही रख देते हैं, नाम ए और बी से रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं
इसका नाम क्या रखे बताओ? इसका नाम रखते हैं हम, इसका नाम रखते हैं आंटी रखते हैं, और इसका नाम हम रखते हैं बंकी रखते हैं बंकी, ठीक है। देखो जो आंटी है ये आंटी जाती है यहाँ से पी से लेकर क्यू तक जाती है, नहीं दोनों इसमें क्या बोलते देखो इन्हें क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं ए एंड बी टू मैन वॉक फ्रॉम पी टू बी, ये दोनों मैन है, ये दोनों अंकल है, ये दोनों जाते हैं एक कोई भी पी से क्यू तक जाते हैं, और द डिस्टेंस 21, ये 21 है, और ये 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर, और इसका है 3, इसका है 4 किलोमीटर पर सेकंड इसकी ये स्पीड है। तो बी रीचेस पॉइंट क्यू, अगर बी चलता है ये बंकी चलता है ऐसे आता है और वापस आ जाता है, वापस आ जाता है इमिडियटली। तो बताओ जब तक ए चल रहा है धीरे धीरे चल रहा है तो वो कहाँ पे मिट करेगा, मतलब देखो अब मैं इसको प्रॉब्लम की तरफ बताता हूँ, अब मैंने ये एग्जाम्पल लेके बताया था आपको। देखो इसमें क्या बोल रहा है, दो मैन है ए एंड बी दो मैन, ठीक है, ए एंड बी दो मैन है, हमारा डिस्टेंस है पी और ये क्यू, और ये पूरा डिस्टेंस है 21। अगर बी चलता है, बी ऐसे चलता है और वहाँ से वापस आ जाता है, लेकिन ए चल रहा है धीरे धीरे चल रहा है, ये धीरे धीरे चल रहा है, तो बताओ जब तक बी वहाँ से आएगा तो बताओ उनकी ये जो आप मिल रहे हैं तो बताओ वो क्या होगा, वट इज दिस, बताओ ये कितनी डिस्टेंस में मिलेंगे, 34 18 18 30। तो अपना आंसर जल्दी से करें, तो चलते से अंधी तरह 18 किलोमीटर। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू आर, पी से क्यू है हमारा आर x किलोमीटर, पी से हमारा क्यू है x किलोमीटर माना है हमने, तो देन x इज इक्वल टू 3, और ये हमारा x 3 क्या है मतलब ये हमारा है टाइम है ना, x हमारा डिस्टेंस और टाइम है, और 21 ये हमारा डिस्टेंस है, फिर ये हमारा स्पीड है, और ये हमारा क्या है, तो फिर ये हमारा ये डिस्टेंस नहीं रुको हाई, तो ये इसमें हमें हमारा इसमें टाइम है और इसमें भी टाइम है, तो ये क्या है, तो जब वो मिलेंगे तो वो कहीं सोचो आर पॉइंट में मिलेंगे, तो वो आर पॉइंट होगा 21 माइनस एक्स बाय 4, मतलब जितना एक्स है उसमें से ना 21 हाफ कर दो, मतलब माइनस कर दो, और उसको ना उसी स्पीड से डिवाइड कर दो तो वो आएगा, तो हम इसे इसको एक तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू ये 2 × 3 × 21, 7x 7 उधर गया डिवाइड में, यहाँ पे आया 3 3 3 जा 9 9 2 जा 18, आगे 18 किलोमीटर में वो, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ए एथलेट फिनिश ए राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक एट रेडियस आर 40 किलोमीटर पर, ठीक है, इसमें बड़ा आसान है, ये एथलेट कवर कर रहा है एक राउंड, तो वो बोल रहा है अगर वो इतना रेडियस, अगर उसका रेडियस है कुछ आर इन 40 सेकेंड, अगर वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है 40 सेकेंड में, तो बताओ वो 22 × 20 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा, तो उसका हमें डिस्प्लेसमेंट बताओ कितने राउंड कंप्लीट करेगा, तो उसका सही आंसर है, देखो क्या है इसका सही आंसर, 2R, देखो कैसे, देखो पहले हम इसका टाइम निकालते हैं उसमें, किसमें, सेकंड में तो आएगा 140, तो हम इसके और इसके टाइम को हम डिवाइड कर देते हैं 40, तो ये कुछ आएगा 3.5 आएगा, तो वो 3.5 राउंड लोग आएगा, ये हमारा सर्कल है, देखो ये हमारा सर्कल है, पहला राउंड कुछ होगा ऐसा, पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, अब रुको मैं मिटा देता फिर बताता हूँ। देखो 3.5 मतलब 3 और आधा, पहला राउंड फिर ये दूसरा राउंड फिर ये तीसरा राउंड, नहीं ये दूसरा राउंड ये फिर ये तीसरा राउंड, देखो पहला राउंड ये रहा, दूसरा राउंड ये रहा, तीसरा राउंड ये रहा, और ये चौथा लगाने जाता आधे में रुक गया, तो बताओ यहाँ से इतने की डिस्टेंस क्या होगी, मतलब मैं सर्कल है इतने और इतने की डिस्टेंस क्या होगी, तो 2R होगी रेडियस वो डायमीटर। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं,
मैन ली फ्रॉम होम, एक आदमी था वो गया साइकिल से, गया साइकिल से, गया वापस घर आ गया आधे घंटे में, घर आ गया आधे घंटे में, 30 मिनट में घर आ गया। तो बताओ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है आपकी? ये बड़ा सिंपल है, 10.5 to 0, तो सही आंसर है 0। तो कैसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, तो गया वापस आया, अब स्कूल गए, स्कूल से वापस आ गए, स्कूल बंद था, हो गया 0। देखो इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कॉन्स्टेंट, में से कौन सा कॉन्स्टेंट रहता है, टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या नन ऑफ दीज? तो उसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। देखो कैसे, देखो ऐसे, देखो टाइम, अगर आप टाइम को कॉन्स्टेंट रखोगे 1 सेकेंड, तो अगर आपकी स्पीड, देखो आप जा रहे हो, वन की स्पीड से आपका 1 सेकेंड है स्पीड, आप 2 किलोमीटर करते हो 1 सेकेंड, अगर आपका आपका जाम लग गया जाओगे यहाँ पे जाओगे, तो टाइम तो 1 सेकेंड है, अगर आपकी वेलोसिटी को चेंज ही नहीं रहेगी, बस टाइम नहीं हो सकता। देखो अगर हम वेलोसिटी को कौन से मानेंगे, अगर आगे बहुत, अगर वेलोसिटी हमारी 2, तो अगर आप आगे यहाँ पर बहुत खाली एरिया है, तो आप जाओगे भगा के चले जाओगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 टच ही नहीं सकते, ये अगर सीधा गया वापस कभी आया ही नहीं, तो ये भी हो सकता है। तो चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, तुझे सही आंसर नन ऑफ दीज पता चल गया, इसमें क्या बोल रहे थे, ये बड़ा अच्छा आंसर है। इन द गिवन वेलोसिटी ग्राफ, ये इसमें पूछ रहा है, इस वीटी ग्राफ में बताओ कि कौन सा डिस्टेंस, इसमें बताओ डिस्टेंस क्या है, ये तो इसका सही आंसर है, ये आपने करा हुआ बड़ा आसान आंसर है। देखो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, एरिया निकाल दो, बस सिंपल एरिया निकाल दो, इसका एरिया निकाल दो, देखो कितना आ रहा है, क्या लग रहा है, देखो कुछ ट्रेपेजियम नहीं, हाँ ट्रेपेजियम जैसा लग रहा है। ट्रेपेजियम का फॉर्मल क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट देखो ये रहा, हमें गिवन है हाइट कितनी है, हाइट ए डी इज इक्वल टू बी ई, इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं, और हमें तो हम ए बी प्लस ओ सी, देखो लिखा ना हाफ, तो हम ऐसे लगा देंगे यहाँ पे लिख देंगे ए बी, ए बी प्लस ओ सी, ओ सी पता है ना कैसे आ रहा है, तो हम यहाँ पे ए डी लगाए बी लगाए, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ओ सी, यहाँ पे ओ ए आ रहा है, तो ओ ए तो है ही नहीं, तो ओ सी ठीक है, तो ये ए बी, ए बी लगाएंगे, ए डी लगाएंगे हम यहाँ पर, ए डी वो ए सी में हो गया, ठीक वो सी में हो गया, ये नहीं होगा इसमें लगाएंगे, तो ये सही आंसर है। देखो तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल से भी वीडियो के अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहे, और जब आप ये बेल आइकन दबाओगे, ये जो छोटा सा घंटा दिख रहा है, तो अगर आप दबाओगे प्रेस करोगे, तो इसको प्रेस करना जरूरी है, चैनल वैसे भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूले, जिससे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहेंगे। ये हमारा एडुकेशन अकेडमी चैनल है।